अक्सर ये आप सुनते होंगे और बहुत सारे चैनल्स भी है, यूट्यूब के ऊपर भी मैंने देखा है और भी जगह पे सुना है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग जो इस तरह जिहादी बनाया जाता है और उसके बाद फिर दिखाते हैं हूरों के बारे में कि इस तरह हूर होंगी और ये होंगी। तो ज़रूरी नहीं कोई जिहाद करता या जो किताल करता उसी को हूर मिले इस्लाम में, जो भी जन्नत में जाता है उसको हूर मिलती है इस्लाम में। तो अगर जो मेरे भाई हमसे ये सवाल कर रहे हैं, अगर उनको भी हूर चाहिए तो वो भी जन्नत इस्लाम को कबूल कर सकते हैं और उनको भी इंशाल्लाह हूर मिलेंगे। रही बात ये सवाल की 72 हूरों के, तो इसके बारे में सही हदीस है सुनन तिर्मिज़ी की, हदीस नंबर 1663, हदीस नंबर 1663। उसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शहीद है, जो मार्टियर होता है, उसको जो जन्नत में मिलेगा उसमें से एक चीज़ क्या है, ये 72 हूरें हैं जो उनको मिलेगी। अब जैसे कि वेस्टर्नर्स जब इस बात को सुनते हैं तो वो फौरन आप सुने होंगे वर्जिन्स की बात करने लगते हैं, हूर से चल जाते हैं कहाँ पर, वर्जिन्स में, VIRGINS, वर्जिन्स, कुंवारी। तो ये कुंवारी उन लोगों के पास कुछ है पहले से जिसके वजह से वो कुंवारी बोल रहे। ये मेरे हाथ में बाइबल है और इस बाइबल में अगर आप बुक पढ़िएगा, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 17-18, इस बाइबल में उसमें लिखा हुआ है जंग के दौरान क्या करना आपको, नाउ देयरफॉर किल एवरी मेल अमंग द लिटिल वंस एंड किल एवरी वुमेन, ठीक है, कि आपको हर मेल को, लिटिल वंस भी, छोटे को भी, और औरतों को भी मारना है, बट कीप अलाइव फॉर योर सेल्स ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द वुमेन हु आर वर्जिन, लेकिन अपने लिए जिंदा छोड़ो किसको, जो भी वर्जिन है। तो यहाँ से वर्जिन जो आया वर्ड उसको, क्योंकि उनका बैक ऑफ माइंड में ये बना हुआ है, वो लोग बाइबल को जानते हैं, तो वही 72 वर्जिन यहाँ से उठा करके ले आते हैं कुरान के तरफ, जबकि कुरान में लिखा हुआ हूर के बारे में या हदीस में लिखा हुआ हूर के बारे में वर्जिन्स यहाँ है, आपकी ज़िंदगी में आपको वर्जिन्स मिलती है, जन्नत में तो बाद में बात की बात है, यहाँ पर ज़िंदगी में आपको मिलती है कहाँ पर, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 17-18 में। जहाँ तक बात है आपके, बहुत सारे हम इंडिया में भी हम देखते हैं कि ये कोट करते हैं कि वर्जिन हूर मिलती है, तो मैं कहता हूँ कि शायद आपने अपनी किताबें नहीं पढ़ी जो हिंदू धर्म ग्रंथ है। मेरे पास यहाँ पे महाभारत है, महाभारत का अनुशासन पर्व महाभारत में है, चैप्टर नंबर, बुक नंबर 13 जिसको बोला जाता है अनुशासन पर्व, और उसका है सेक्शन नंबर 106 और वर्स नंबर 53-55, ठीक है, वर्स नंबर 53-55। इसमें लिखा हुआ है अनुशासन पर्व, बुक नंबर 13, सेक्शन नंबर 106 और वर्स नंबर 53-55, उसमें लिखा हुआ है कि 100 अप्सराज ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर्स वेट अपॉन एंड स्पोर्ट फॉर हिम, किसके लिए, 100 अप्सराएं, हूरे नहीं, अप्सराएं वेट करती हैं और दौड़ लगाती हैं किसके लिए, जाहिर सी बात है महाभारत है तो कोई मुसलमान के लिए वेट नहीं कर रही है लोग, तो जिन हिंदू धर्म ग्रंथ है तो जाहिर सी बात है उसी के लिए वेट कर रही है। और फिर डोज डैमसेल्स, मोस्ट ब्यूटीफुल डैमसेल्स, हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटीफुल डैमसेल्स, ये लिखा हुआ महाभारत में, आप जाके इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF महाभारत अनुशासन पर, उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर आपको 100 कम लग रहा है तो फिर से अनुशासन पर, बुक नंबर 13 वर्स नंबर 79, सेक्शन नंबर 79 और वर्स नंबर 27 है, उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग भी मतलब दान करते हैं, दान के बारे में आता है, और जो लोग दान में हमेशा आगे रहते हैं उनको क्या मिलेगी, व्हेन दस प्रोसीडिंग टू हेवन, जब वो लोग जन्नत में जाएंगे, ही इज रिसीव्ड बाय 1000 सेलेशियल डैमसेल्स, उनको 1000 अप्सराएं आएंगी, नॉट 100, 1000 अप्सराएं आएंगी। तो मैं फिर से ये कहता हूँ कि जो लोग ये फिर ऐतराज़ कर रहे हैं कुरान के ऊपर या हदीस के ऊपर कि इसमें हूरे हैं, हूरे मिलती हैं, तो शायद आपने अपना किताब नहीं पढ़ा, अभी आपने महाभारत नहीं पढ़ा अनुशासन पर, बुक नंबर 13 सेक्शन नंबर 79 वर्स नंबर 27, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ 1000 अप्सराएं, 1000, 72 तो कुछ नहीं है उसके सामने, 1000 सोच सकते हैं, 10 times, मोर देन 10 times, आपको 720 होता 10 times, लेकिन मोर देन 720 से भी ज़्यादा 1000 आपको मिलेंगे। तो ये सरासर बेबुनियाद ये लोग सवाल करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि जन्नत में उनको अप्सराएं मिलेगी इसलिए इस तरह है। अगर जन्नत में हूर मिलेगी भी तो जन्नत पे तो आप मानते नहीं हैं, तो आपको क्या टेंशन है, अगर आप मानते नहीं जन्नत के ऊपर तो कुछ मिले, जन्नत में हूर मिले, जन्नत में उनको केक मिले, जन्नत में उनको शरबत मिले,
क्या प्रॉब्लम है? आप तो बोलते जन्नत होगा ही नहीं, तो आप एक साइड से ये भी बोलते जन्नत नहीं है, दूसरे साइड से ये भी बोलते जन्नत में ये मिल रहा है। यू कैंट हैव द केक एंड ईट इट, आप केक ले के खा नहीं सकते। इंग्लिश का एक लाइन है, यू कैंट हैव द केक एंड ईट इट, आपको या तो केक लेना होगा या तो खाना होगा। तो एक या तो आपको जन्नत में मानिए, फिर आप बोलिए हाँ जन्नत है, अब क्यों हूर मिल रही है? आप बोलते जन्नत भी नहीं है और हूर भी मिली, उससे भी प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है ये बेबुनियाद सवाल है, बेबुनियाद क्वेश्चन रहता है जो कहा जाता है, जिसको दिखा करके ये कोट किया जाता है। अगर जो लोग क्रिश्चियंस इसको सवाल करें तो उनको खुद के बाइबल पढ़ना चाहिए, अगर कोई हिंदू भाई ये सवाल करे तो उनके खुद के महाभारत पढ़ना चाहिए जिसमें ये लिखा हुआ है कि उनको 1000 अप्सराएं मिलेंगी। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।